यूज करा हुआ कोई पैक कर दिया है भाई, यूज किए हुए है ना। तो भाई लखनऊ से डिपार्चर हो चुके हैं हम लोग, टाइम ऑन बोर्ड कर रहा हूँ मैं थर्ड एसी में लखनऊ से कर्षा होना बाकी है। बाकी ये क्या चीज है, ये कहाँ चल रहा है? जीएम ऑफिस, ये पूरा हेडक्वार्टर है, ये पूरा हेडक्वार्टर है जबकि पुरानी थीम पे बना हुआ है। यहाँ पर जीएम, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, बड़े बड़े ऑफिसर जितने हैं ना नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के, उन सबका ऑफिस यहीं पर है। सर मैं बरेली कॉलेज नहीं था, वैसा लग रहा। देखो ये भाई बारिश देखिए कितनी हुई इधर, ये एक नंबर बारिश हुई है। और अभी धान का सीजन है, धान लग रहा है, तो चारों तरफ देखिए। कार्यालय है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, काफ़ी नीट और क्लीन है यार। तो गाइस फाइनली पहुंच गए भाई तिलर स्टेशन पे, और आज का वेदर देखो कितना प्यारा है। तो आज एक जर्नी होने वाली है छोटी सी बरेली बनारस से, जो कि बरेली चलती है और वो जाती है बनारस तक, लेकिन वो जाएगी अयोध्या कैंट तक, क्योंकि आगे फिर कोई काम चल रहा है तो अयोध्या कैंट तक जाएगी। बट हमें जाना है लखनऊ तक, लखनऊ से फिर हम गोरखपुर के लिए कोई दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। बरेली बनारस इस ट्रेन से जाएंगे हम लखनऊ तक, लखनऊ से फिर चेंज करेंगे। तो ऑन बोर्ड बरेली बनारस ये जा रही है आज अयोध्या कैंट तक। तो भाई अपनी ट्रेन तो आ गई है बरेली बनारस, 5 मिनट लेट है ये, और सोच रहे भाई कि एसी में आज सफ़र किया जाए। देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से, अगर कुछ शशांक भाई का सोर्स लगा तो एसी, नहीं तो फिर स्लीपर से करेंगे। तो भाई अपनी ट्रेन निकल ली है तिलर से, डिपार्चर तिलर। पूरी ट्रेन खाली है भाई बरेली बनारस, जो बरेली से बन के चलती है बनारस तक, और लेकिन जाएगी अयोध्या कैंट तक, आगे कुछ काम चल रहा है तो अयोध्या कैंट तक है। गाइस हल्की हल्की बूंदें स्टार्ट हो गई हैं, और हमें भी शाहजहाँपुर के आउटर पे ट्रेन खड़ी हुई, शायद कोई ट्रेन पास हो रही है। अलग तरीके का भाई मनोरंजन, और भाई साहब देखिए क्या कर रहे हैं, ये पत्थर फेंक रहे थे, अब अंकल भी फेंक रहे हैं। भाई देखो अंकल किसी से कम नहीं है, देखो बचपना इन लोगों का। ट्रेन पास हो रही शशांक है, पता नहीं यार ऐसे भाई भाई उसको कोई ट्रेन पास कर रही है। ये कोलकाता जम्मू तभी है भाई ये। तो ये है गर्रा नदी भाई, अभी बाढ़ आई नहीं है यहाँ पे, मैं दिखाऊँ आपको। जब बाढ़ का सीजन होता है ना तो पूरी फुल चलती भाई ये ऊपर तक, काफी बड़ा एरिया कवर करती है ये गर्रा नदी। और यहाँ से हो गए हम शाहजहाँपुर के अंदर एंटर। तो आधे घंटे के बाद भाई शाहजहाँपुर से डिपार्चर हुई है ये, और हमारी ट्रेन भी है लखनऊ से 10 बजे की है, तो बस ये पहुंचा दे यार, वरना भाई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और शाम हो रही है, चाय वगैरह पीने का मन था भाई शाहजहाँपुर में, चाय तो मिली नहीं। तो जैसे ही हरदोई से निकले भाई, डिपार्चर हुए हैं, तो हमने ली यहाँ पे चाय, मैं और शशांक। और इसमें खाने का ऑप्शन है यार, साइड पेंट्री है। तो अगर हो सकता है लखनऊ तक भूख लगी तो फिर ऑर्डर करेंगे और रिव्यू देंगे। 20 रुपए की बेस्ट थाली भाई, लूट जा रही है 100 रेलवे में लूट। 130 की बेस्ट थाली ना भाई, 80 रुपए की आती है 130। चलो चेक करेंगे, बाकी चाय का टेस्ट लेके देख रहे हैं भाई कैसी है। 10 के अकॉर्डिंग ठीक है यार, गरम पानी है भाई, मुझे तो अच्छी लग रही है यार, सही लग रही है। तो भाई लखनऊ पहुंच गए हैं, ये खड़ी सुपरफास्ट नई दिल्ली लखनऊ, तो अभी ऑर्डर पे है। और भाई 10:30 पे पहुंचाया इसने, बारिश तो नहीं हो रही है, बस कल बारिश ना हो यार, क्योंकि कल का ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक्साइटेड भी हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा। तो अभी लखनऊ के आउटर पे है, नवाबों का शहर लखनऊ बोला जाता है ये। अब यहाँ से हमें ट्रेन चेंज करनी है, वो आगे बताएंगे कौन सी ट्रेन से भाई निकलना है हमें। हम जंक्शन पे टहल रहे हैं, और ये वाला कुत्ता बताओ कौन सा है, इसको बोलते हैं पग, लेकिन हमारे इंडिया में बोला जाता है हचवाला या फिर बूढ़ापन वाला, मोस्टली वही बोलते हैं ना, या तो बोलते हैं इसको हच या फिर बूढ़ापन वाला, लेकिन पग है ये भाई। यार ये बताओ कि कोई फेस्टिवल तो है नहीं, भीड़ क्यों है इतनी यार यहाँ पे, प्रॉपर भाई खचाखच।
लवा लव एसी सुपर फास्ट। अच्छा एसी, ओ फिर भी देखा जाए अमूमन तो ज़्यादा भीड़ है ना, जैसे छठ पूजा वगैरह होती है उस टाइप से भीड़ है ये। नाइट का व्यू देखो चारबाग का, एकदम किला लग रहा है भाई, राजा महाराजा का किला। लाइटिंग इसे और खूबसूरत बनाती है जो रेड और मिक्स करके लगी हुई है, काफी अच्छा लगता है यार नाइट व्यू। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ, छोटी लाइन नहीं है हाँ। उसको बोलते हैं, यहाँ पे दो स्टेशन है ना। अच्छा एक तो लखनऊ चारबाग, चारबाग है, लखनऊ जंक्शन है। अभी हम चारबाग पे जा रहे हैं लखनऊ जंक्शन, वहाँ से हमें मिलेगा, वहाँ से मिलेगी ट्रेन एक्चुअली। ये भी आप कर सकते हो लखनऊ में, जिसको चलने वगैरह में दिक्कत होती है ना, तो वो आराम से इसकी राइड ले सकता है यहाँ पे ट्रेन तक जाने के लिए। ऑन बोर्ड करेंगे भाई हम कृषक एक्सप्रेस को, जो कि यहाँ पे खड़ी है लखनऊ जंक्शन पे। और यार देखो सारे डिब्बे खाली हैं इसके एसी के, लेकिन इन्होंने क्या अभी वो अपना पोर्टल जारी नहीं किया जो हम टिकट बुक कर सके तत्काल में। इकोनॉमी ये भी खाली है यार ये, लेकिन जर्नल्स का भरा हुआ होगा। तो भाई अब ऑन बोर्ड करेंगे हम कृषक को, और थर्ड एसी में भाई, ये थर्ड एसी में टिकट मिल गई हम लोगों को। इस टाइम ऑन बोर्ड कर रहा हूँ मैं थर्ड एसी में लखनऊ से कृषक को, और भाई आराम से रेस्ट करेंगे सुबह के लिए, एकदम फ्रेश सा महसूस होगा क्योंकि ऑन बोर्ड करना है कल वंदे भारत, चूँकि इनॉग्रल रन है गोरखपुर से लखनऊ के लिए, सेकेंड वंदे भारत है यूपी की, जिसको पीएम और सीएम दोनों लोग ग्रीन फ्लैग दिखाएंगे। तो भाई सरजान भाई की कृपा से फर्स्ट टाइम एसी में ट्रैवल करने मिला, वो भी कितने में। मैं रुक जाऊँ शूट कर क्या। तो भाई अपनी सीट है 54-53 लोअर और मिडिल, और भाई कुछ इस तरीके का केबिन है जिसमें पर्दे भी है, ठीक है आराम से इसको ऊपर नीचे करो, लेकिन अब इसको ऊपर कर देते हैं। और भाई फर्स्ट टाइम मैं ऑन बोर्ड कर रहा हूँ कृषक को सेकंड एसी में, सॉरी थर्ड एसी में। मैं हूँ शशांक है, और हाँ स्पेस तो कम है यार इसका, ये देखिए अब हम दो लोग बैठ रहे हैं, हमारे ये हालत है। 6 फीट हाइट वाला बंदा सरवाइव नहीं कर सकता है। इसी से कंपेयर किया जाए भाई, कंफर्टेबल है सीट्स इसकी, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी है। बाकी फेयर की बात की जाए तो फेयर इसका हमको पड़ा है लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक ऑलमोस्ट 550 रुपए टैक्स वैक्स लगा के। बाकी भाई डिपार्चर हो चुका है, बाहर चलते हैं। तो भाई मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज लगी और ये भाई पुश करो, और बाकी बॉर्डर बॉटल रखने के लिए ये है उधर। मेरी सीट ये शशांक की है भाई। तो भाई कृषक है जो लखनऊ से बन के चलती है बनारस और गोरखपुर के लिए, वो डिपार्चर हो चुकी है लखनऊ से। तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पहली बार यात्रा कर रहा हूँ भाई, वो भी अर्जेंट ही टिकट लिया इसका तत्काल में भाई कराइए। थर्ड एसी में आराम से सोएंगे भाई, चिल मार के सुबह उठ के फ्रेश होके एकदम कूल होके ब्लॉक करना है मुझे वंदे भारत का, बस भोलेनाथ की कृपा से भाई पास मिल जाए, फिर गोरखपुर से आएंगे लखनऊ। खाना अभी इसी ट्रेन से ऑर्डर करेंगे, इसका फूड रिव्यू भी आज कर देंगे, फूड रिव्यू इसका आज कर देंगे कि कैसा फूड है। और मेरे चेहरे की खुशी देख रहे हो ना, तो मैं भाई सच बताऊँ मैंने 23 ईयर्स ओल्ड का हूँ मैं, 23 साल का, मैंने कभी एसी में भाई ट्रैवल नहीं किया। स्लीपर में तो केएसटी वगैरह बनवा के कोचिंग टाइम में किया था, लेकिन यार ये एसी में कभी तो आज तक किया ही नहीं था भाई, ऐसा कभी मौका नहीं मिला। फिर जब भी जहाँ भी मतलब बाहर भी जाता था मैं, तो नॉर्मली भाई स्लीपर से जाता था, एसी से नहीं। और आज भाई थर्ड एसी में कर रहा हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो सेकेंड एसी और एक दिन फर्स्ट एसी में भी ट्रैवल करेंगे भाई। इसमें कल जो वंदे भारत इनॉग्रेशन है ना, अब हो रही भाई हमारी सोने की तैयारी। शशांक भाई पिल्लो में कवर वगैरह डाल रहा है, तकिया में कवर साफ है, देख रहा है एक बार कंडीशन तो यार फिर भी मच बेटर है, लेकिन यूज करा हुआ कोई पैक कर दिया है भाई, यूज की हुआ है ना तो क्लियर। इससे लखनऊ छपरा मैंने की थी भाई, उससे गंदा आज तक बेडरोल किसी में नहीं मिला। इसका कैसा है, इसका उससे भाई मच बेटर है इसका, मतलब यूज किया हुआ है ये, बाल रेंग रहे थे पूरे उसमें, ऐसा लग रहा था वैसे ही पैक कर दिया। तो हमारी चल रही सोने की तैयारी अब। सीआर जोन की। अच्छा।
क्या मेंटेन रहती है उनकी ट्रेनें, क्या पेट्रोल, फूड, एवरीथिंग भाई। नेक्स्ट तो भैया ने लगा लिया अपना निस्तार, ऑटो ना यार, भूख सी लग रही है शशांक भाई यार। ऑनलाइन कर दो, फूड रिव्यू भी दे दो, या तो खाना खा लेते या ट्रेन पकड़ लेते। नहीं ट्रेन जरूरी थी भाई, खाना तो यहाँ भी खा लेंगे। देख भाई कंडीशन देख, इसकी दाग धब्बे लगे हुए हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, पहुँच गए भाई अभी हम गोरखपुर जंक्शन, और कृषक की यात्रा काफ़ी सुखमय रही थी। शशांक भाई और ये है अपने कहाँ से, मकसूद ब्लॉग भाई, यही मकसूद भाई अपने, ये अरे बिहार से हो आप, फर्स्ट टाइम मिले। शशांक ट्रेन इसी की छूटी थी रात में, इन्हीं की छूटी थी, जुनैद भाई थे और कृषक का भाई थर्ड एसी का। कैसा रहा तुम्हारा सफर? तो भाई मस्त सो गए थे, उठ गए थे। मैं भी भाई सोया हूं, जो हमको तो कवर करना था और हमें मालूम था ये सोएगा ये उठेगा नहीं। उठा था, कवर किया था तूने? अच्छा भाई मैंने कवर नहीं किया, हम तो आदत आदत वाले हैं। और ये बेचारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है गोरखपुर, इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट फ्लाइट। ये है भाई अपना तिरंगा और इंडिया का ये सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, जिसकी लंबाई मैं बता दूं 1366 मीटर है भाई। और यहां से अब निकलने के बाद सीधे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद चलते हैं पास वगैरह को, कुछ अरेंजमेंट होता है तो ठीक है, वरना फिर प्लेटफॉर्म से शूट करना पड़ेगा। भाई गाड़ी बिक रही है, मर्सिडीज ई क्लास है, कोई ले बता दिए 1.5 लाख की है भाई, पंचर खड़ी हुई देखो। कार्यालय है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, काफी नीट और क्लीन है यार, और काफी बड़े एरिया में है ना गोरखपुर का यार, मतलब इस जंक्शन छोड़ के भाई 1.5 किलोमीटर आने के बाद सारे ऑफिस हैं आपको इधर मिल जाएंगे ये। तो इधर लगा मेक इन इंडिया का शेयर भाई, देखो वो कार्यालय प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ये, और आपको दिखाते हैं क्रेन जो पहले चलती थी छोटी लाइन पे करीब आज से, मजाक कर रहा हूँ भाई, करीब 50 साल पहले, 50 साल पहले का ये है क्रेन जो लिफ्ट होती थी भाई। क्रेन नहीं है, लोको है। क्रेन है भाई, देखना उस पर बेड लिखा हुआ, अधिकतम गति 45 किलोमीटर घंटा टू लिफ्ट है, क्रेन है ये, पूछ ले किसी से पूछ ले, है ना क्रेन अंकल, है इंजन है ये, इंजन है ये, क्रेन नहीं है ये। अरे सही बात निकली है, जीत गया तू तो यार, लग तो क्रेन जैसी रही है भाई। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बाणी को वापस लेना चाहता हूँ, ये इंजन है भाई, पहले इस तरीके के इंजन होते थे। और ये है भाई ऑफिस, यहाँ पर रेलवे के मोस्टली सारे अधिकारियों के ऑफिस हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। और ये है इंजन भाई, करीब 50 साल पहले ऐसे इंजन चलते थे। तो सोच रहा मैं कि एक्सप्लोर कर दूं गोरखपुर के जंक्शन को, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है। अब यहाँ से जा रहे हैं हम फिर से वापस गोरखपुर जंक्शन, अभी नाश्ता वगैरह करेंगे भाई, फ्रेश वगैरह होना है, तो मिलेंगे आपसे आगे।